हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? दोस्तों? फैमिली ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में एक खास चीज़ है जो आप लोगों ने बहुत पहले कभी खाई होंगी। आज हम उस चीज़ को आपको दिखाएंगे, कैसे बनती हैं, टेस्ट कराएंगे। ठीक है, ब्लॉग अच्छा लगेगा तो कमेंट करना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और ब्लॉग क्या चीज़ है ये आप लोग खुद ही देख लीजिए, आगे वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, ये आपने देखा होगा, देसी स्टाइल में, ट्रेडिशनल स्टाइल में ये आटा है। और ये हमने इसमें चीनी मिला लिया है। आप गुड़ भी मिला सकते हो, कुछ भी मिला सकते हो। और इसमें हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से मायावती आप लोगों का स्वागत कर रही हैं। और नहीं, मायावती नहीं यार, मैंने गलत नाम ले लिया। गुड़िया स्वागत कर रही हैं। और इसको बताओ कैसे बनाना है, विधि बताओ। इसमें आप गरी के बुरादे भी डाल सकते हो, चीनी। तिरछा मत देखो, सीधा देखो। और आटा भी तो डालते हैं, आटा भी डालते हैं और पानी भी डालते हैं। इन सब और चीज़ों फिर का उसे एक, मिक्स कर हाँ, लेते हैं, मिक्स कर ग्लास लेना से है। काट लेते हैं। और ये देखना बहुत अच्छी उसमें बने हुए हैं शेप में। ये एक एक ही साइज़ के आपको मिलेंगे, इसलिए मिलेंगे क्योंकि आपको रोटी की तरह बेलना है। और बेलने के बाद में दो तरीके से बनते हैं, एक कटोरी, चाकू से काट के, तिकोना भी बनता है। हाँ, कटोरी, ग्लास, किसी भी चीज़ से काट लीजिए और इसको पूड़ी की तरह छानना है। ठीक है, छान के हाँ, ये सारा चीज़ दिखाएंगे, तब तक आप ब्लॉग में बने रहिए। ऐसे ऐसे काटेंगे अभी। इसको रोटी की तरह बना लो। तो ऐसे बेलने में लगेंगे, बड़ी दम लगता है बेलने में। और जिसके पास दम है वही बना सकता है, इनके पास तो थोड़ा दम था इसलिए यही बना रही हैं, बाकी दम वाले ही लोग बनाएंगे। टाइट है ज्यादा आटा। हाँ, और इसको ज्यादा पतला मत कीजिएगा, नहीं तो फिर पतला पतला पुआ बनेगा आपका, टाइट हो जाएगा। फिर आप लोग बिना दांत वाले खा नहीं सकते, हमारी आदत इसलिए पड़ गई, हमारी सासू माँ के दांत नहीं है। अम्मा की हमारी फेमस है ये पुआ। पुआ बने ले चार थी और चार से खा ले रसियाउर। रसियाउर नहीं, जाऊर। जाऊर ज्यादा अच्छी लगती है उनको। जाऊर जानते हो आप लोग, मीठी खीर। जाऊर रसियाउर अगर किसी को पता है तो बताना, ठीक है? रसियाउर नहीं, जाऊर। दोनों एक ही, दोनों बोलते हैं। रसियाउर बोलते हैं हमारे गांव में, जो भी है फिलहाल। जो गन्ने के जूस का बनता है, हाँ। और गुड़ का भी बना सकते हैं आप। अरे हमारे घर पे गन्ने का जूस कहाँ से आता था, गुड़ ही का बनता था। नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत बन। चलो अभी ये बन गया, अब इसको काटो गुड़िया, जल्दी से काट के दिखाओ कौन से स्टाइल में इसको काटते हैं। चलो बस करो, हो गया, अब काटो फटाफट से। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो देखिए गोला गोला से। मम्मी ये वाला थोड़ा और करो, अब इसमें चार पुए बने एक रोटी में, इसको निकाल लो जिसका बड़ा चकला हो। हाँ, इसको ऐसे निकाल लिया, इसको रख देना है, बन गया हमारा। अब इसको ऐसे रख देना है। अगर आप लोगों को बनाना नहीं आता तो कमेंट करके बताना, ठीक है, हम इनको भेज देंगे, बना के आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम आ जाएंगे, नहीं तो आप लोग ही मेरे घर आ जाए खाने, खा के आ जाए। हाँ, खाने के लिए आ सकते हैं, खा। और बोबी, पढ़ाई कैसी चल रही है? मस्त मस्त। पेपर कब से? और इसमें से 10 तो हमारे लिए हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी गुड़िया के लिए, 5 हो जाएंगी इस बुढ़िया के लिए, 25 होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, नहीं गिन गिन लो, गिन लो नहीं, कितनी नहीं, बनेंगी। 10 तुम्हारे, 10 इनके, 5। हाँ, एक बार गिन लो कितने हैं। हाँ, गिन रही हूँ क्या? रुको ना, गिन ही तो रही हो तुम अंदर अंदर। बस अब बता दो कितनी हुई, कितनी हुई है? नहीं गिना,
गिन लिया है लेकिन हो बताएंगे नहीं आपको, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा हमारा खुराक कितना, हम खाते कितना है। ठीक है आप लोग अगर गेस कर लीजिए। फाइनली ये भी इतने बना लिए हैं और ये यहाँ पे तले जा रहे हैं। अभी वो नहीं बने। हाँ अभी इनको एक मैंने बनाया है। और देखो इस तरीके से भी बना सकते हैं। हाँ इस तरीके एक से एक मैंने बनाया है, दो चार मैंने बनाया, त्रिकोण भी बना सकते हो। अभी इनको खा नहीं सकते ना। बाद में हम लोग खाएंगे, पहले बना लेते हैं, अभी खाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये अभी इतने बन चुके हैं और ये देखिए आप इनको गोलगप्पे की तरह इनको तलना होता है, गोलगप्पे ही समझ लीजिए तल रहे हैं। अब इनको फाइनली बन जाएगा, फिर उसके बाद में फिर दिखाएंगे आपको आगे का ब्लॉग। और ये कर रही है मस्ती। चलो बेटा पढ़ाई भी कर लो, ठीक है ठो। मैं 10 मिनट बाद करूँगी। 10 मिनट बाद ट्यूशन ही जाना है। चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे भी बारिश नहीं हो रही, इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बहुत ज़्यादा है, पूछो मत, हद से ज़्यादा है।